उपकार हम कैसे भुलाएं। आए थे इस दरबार में श्री जुगल जोड़ी महाराज जी के श्री प्रेम में, जानते भी नहीं थे कि श्री गुरु महाराज जी बहुत प्यार करते हैं। जाते थे हॉस्टल में जयपुर में ही बनस्थली विद्यापीठ में। महाराज जी कहते थे बसंत में नहीं आना। सतगुरु नगर बसंत मनाया जाता था। हमें लालसा होती थी, सब संगत इतने प्रेम से यहाँ बैठती है, नाचती है, टापती है, हम भी टापते थे हम वहाँ रह जाएंगे। चार पांच महीने वहाँ दूध नहीं पीना। महाराज जी को चिट्ठी लिखनी कि हमने पैसे बचाए हैं, माँ बाप से भी नहीं मांग रहे, आपसे भी नहीं मांगते, हमें बसंत पे बुला लो। श्री गुरु महाराज जी को जाते जाते बड़े प्रेम से देखना और श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते नजर आते थे। बस उसकी वो उनकी वो मुस्कुराहट लेकर चले जाते थे। ऐसे अंदर से अनुभूति होती थी कि शायद गुरु महाराज जी तो हंस रहे थे, बुलाया तो नहीं, और महाराज जी बिल्कुल मना कर रहे हैं। दो बार छुट्टियां होती थी, गर्मियों की और दिवाली की, बस वहीं आना है, बसंत पे नहीं आना। अब कैसे रहा जाए? उनकी मुस्कुराहट देखकर यह चिट्ठी लिख देनी महाराज जी को और महाराज जी ने बुला लेना। ऐसे धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी से प्रेम बढ़ता गया। और दादा गुरुदेव श्री गुरु महाराज जी को इतना प्यार करते हैं और श्री गुरु महाराज जी एक क्षण भी दादा गुरुदेव की आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं चलते। दिल्ली में हम किसी के घर गए और वहां तीन कमरे उनके थे, हमें ले गए, बिजनेसमैन थे, सिलाई का काम करते थे, 20-25 व्यक्ति लगाए हुए थे। कहते हैं 2 महीने हमारा काम नहीं होता भाई जी, आप चलो काम हो जाए इसी भांति। हमें तो दादा गुरु महाराज जी का इतना ज्ञान भी नहीं था तब। हम उनके गए तो ऊपर शेल्फ पर, जैसे अभी ये बता रहे हैं मिट्टियां थी, हम पहले आते थे तो दादा गुरुदेव, मैं यही बैठे बैठे सोच रही हूँ दादा गुरुदेव कितनी मिट्टियों में रहे होंगे यहाँ पर, हमें तो अब मिट्टियां दिखाई देनी। उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना परिश्रम किया होगा, सांप बिच्छू अभी ये खोलो गुफा तो कहते हैं कि बहुत कुछ निकलता है, और वो इस गुफा में बैठे रहे और हमें कितना डर लगता है। हमें पूरी व्यवस्था चाहिए रात्रि को सोने की, बैठने की, उठने की, और उनको कोई भी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल भीतरी ज्ञान के लिए वो निरंतर आगे ही बढ़ते रहे। वहां पर भी ऊपर मिट्टियां, कोई चोला नहीं चढ़ा हुआ, कोई हार नहीं पड़े हुए, ऐसे ही शेल्फ पर ऊपर, इतना बड़ा हॉल होगा वहां पर ऊपर शेल्फ पर मिट्टियों में भरे हुए गुरु महाराज जी, छोटा सा आगे कमरा था उसमें ले गए।
मंदिर में केवल गुरु महाराज जी और जुगल जोड़ी महाराज जी। मैंने उनको कहा कि गुरु महाराज जी ना दादा गुरु महाराज जी के बिना खुश नहीं रहते। आप दादा गुरु महाराज जी विराजमान करके देखो घर में, इस जगह पर जहां पर आपका बिजनेस है करके तो देखो। उन्होंने किया, इस बात को माना, मानते ही आज उनका व्यापार विदेश तक जा। एक मास के एक दिन भी उनका बिजनेस कम नहीं होता। दादा गुरुदेव साधारण हस्ती नहीं थे, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को जो वरदान दिए वो सब पूर्ण है आज भी, परंतु श्री गुरु महाराज जी कभी भी दादा गुरुदेव के बिना कहीं भी, हम कार्य में सफलता चाहते हैं, कहीं भी क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, घर में भूत प्रेत आदि का भय दूर कराना चाहते हैं, कुछ भी जीवन में उन्नति चाहते हैं, तो दादा गुरुदेव को जब तक विराजमान नहीं करेंगे उसके जीवन में उन्नति नहीं आती। बोलो जयकारा। आध्यात्मिक उन्नति भी और लौकिक उन्नति, ये जीवन के अनुभव हैं। हम वहां पर पानीपत में रहते हैं। एक बार मुझे फैक्ट्री में ले गए, उनकी बहुत मशीनरी की उनकी दुकान है पंचम पातशाही की, आनंदपुर को मानते थे। पहली बार ले गए, मैं कुछ नहीं बोली। मैंने कहा पूजा कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, करो तो सही, अपने आप को ले जाएंगे जहां तक ले जाना होगा। दूसरी बार मैं किसी और फैक्ट्री में गई, उनकी पास में थी, कहने लगे भाई जी हमारे पास भी चलो, हमारी फैक्ट्री नहीं चलती। मैंने कहा मैं पहली बार भी नहीं बोली, अब तुम श्री गुरु महाराज जी और दादा गुरु महाराज जी को जब विराजमान करोगे तभी मैं जाऊंगी, वैसे नहीं जाने की। और देखो उनको विराजमान करके तुम्हारे जीवन में क्या क्या उन्नति आती है। जब तक हम उनकी सेवा दिल से नहीं, खाली विराजमान कर लिए, हम बैठते हैं हमें गद्दे चाहिए, उनको एक चादर के ऊपर ही विराजमान कर दो तो विराजमान नहीं होंगे। उनको जहां खुशी मिलेगी वहीं जाएंगे। आप सर्दी है तो आप सब कुछ पहनते हो, आप मत पहनो ना, उन्होंने नहीं पहना हुआ आप भी मत पहनो, कुछ त्याग कर दो ना। उन्होंने तो गुरु की आज्ञा मानी कि मुझे सब्जी खाने की आज्ञा नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने कमल ककड़ी इतनी पसंद थी और उन्होंने बना के रखी। आज कौन ऐसा है जो गुरु की आज्ञा को पूर्ण करता है। हम एक दिन आरती करते हैं, चार दिन सभी पर घरों में आरती करते हैं, फिर तन के अधीन हो जाते हैं, पाठ पे बैठते हैं, फिर हम उसके अधीन हो जाते हैं। हमारा तन श्रेष्ठ है जिसने एक दिन हमें धोखा दे देना है। जैसे बकरे को भोजन खिलाओ बहुत, वो आराम से खा रहा है बकरा, उसको नहीं मालूम कि 15वें दिन मेरा काल मेरे सिर पर खड़ा है और हमारे भी सिर पर हमारा काल खड़ा है। खुश होके अभी हमें स्वाद अच्छे लगते हैं,
कब हमें इन स्वादों से ऊपर उठेंगे, हमें कुछ भी खाने का स्वाद अच्छा ना लगे, हमें हर समय अपनी मौत याद रहे जैसे दादा गुरुदेव को याद रही, जैसे गुरु महाराज जी को याद रही, हमें भी याद रहे। हमें खाएं सिर्फ पेट भरने के लिए, भजन करने के लिए, भोजन बस, कोई स्वाद ना हो उसका, जिससे हमारा भोजन, जिससे भजन बढ़े, जिससे हम उनको प्राप्त कर सके, यही हमारी मंजिल है। जहां पर वो पहुंचे या पहुंच नहीं सकते, पर हम बच्चे तो उन्हीं के हैं ना, चलना तो है, वो मंजिल तो है। कब तक यूं ही हम व्यस्त रहेंगे अच्छे अच्छे पदार्थों में? दरबार की शोभा है, अच्छे अच्छे पदार्थ बनेंगे, इंद्रियों को जीतने वाला इन सब से पृथक होगा, वो रहेगा। देखो गिनती के महापुरुष अभी तक है, मीरा जहर मिला अमृत प्रसाद समझा, हम कब प्रसाद समझेंगे उनका? जहर तो आएंगे जीवन में, अभी जहर जहर, जैसे शुरू से ही स्वामी जी बोल के जा रहे थे कि क्रोध जितना चढ़ता है उतनी आवाज में जयकारा बोलो, क्रोध वाली आवाज में नहीं बोलना, बोलना है तो ऊंची आवाज में, पर क्रोध इसका मतलब अभी हमें ये रस रस प्रतीत हो